मुरादाबाद और बरेली पुलिस की स्पेशल टीम ने सूचना के आधार पर आज सीटेट परीक्षा की पहली पारी में छापेमारी करते हुए कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आज सीटेट की परीक्षा थी, जिसके लिए मुरादाबाद में भी सेंटर बनवाया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरादाबाद के थाना मंजुला क्षेत्र निवासी सचिन नाम के युवक द्वारा सॉल्वर गैंग संचालित करते हुए सीटेट परीक्षा में बिहार से कुछ युवकों को हायर किया गया है, जिस आधार पर पुलिस ने आज परीक्षा की पहली पारी में मुरादाबाद के कुल 6 सेंटरों पर छापेमारी करते हुए कुल 10 लोगों को पकड़ लिया है। दरअसल पूरे मामले का खुलासा करते हुए SP ट्रैफिक सतीश चंद्र ने पूरे घटनाक्रम को मीडिया के सामने रखा है। मुरादाबाद में सी टाइट का सेंटर यहाँ है, तो उस क्रम में आज यहाँ 9:30 से 12 बजे तक जो पहली शिफ्ट थी, तो उसमें कुछ साल्वर गैंग के लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इस टीम में हमारे SOG STF बरेली के इंस्पेक्टर अजय पाल सिंह और SOG मुरादाबाद के SI अजय पाल और इंस्पेक्टर कोतवाली RK सिंह, इन लोगों की टीम ने आज 10 लड़के पकड़े हैं साल्वर गैंग के। उसमें से 3 लड़के वो हैं जो साल्वर गैंग में शामिल हैं, मिस्टर नाजिम, दानिश और बिपिन, और 6 लड़के वो पकड़े गए हैं जो किसी के बदले में एग्जाम दे रहे थे, दूसरे कैंडिडेट के बदले में पैसे लेकर। और 10वां लड़का वो है जिसको खुद बैठना था, लेकिन उसने बदले में किसी और को बिठाया। तो 10 लड़के हम लोगों ने पकड़े हुए हैं। सूचना ये थी कि एक सचिन लड़का है काशीराम नगर का, मुरादाबाद का, मंझोला का। ये 2018 में भी जेल इसी साल्वर गैंग के केस में ही ये जेल जा चुका 2018 में भी। तो इसने 3-4 लड़कों के साथ मिल के फिर अपना जाल बनाया और बिहार से इसने लड़के बुलवाए, जो साल्वर लड़के हैं वो बिहार से बुलवाए, और यहाँ इसने सबसे 50,000 रुपये के हिसाब से इसने तय किए थे लड़कों से, और करते ये थे कि ये अपना आधार कार्ड और जो जिस कैंडिडेट को बैठना है उसको आधार कार्ड और उसका पैन कार्ड, वो धुंधला फ़ोटो लगाते थे लोग फार्म में, और फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड फर्जी बनवा के उसकी फ़ोटो वहाँ पे, जो साल्वर है जो लड़का आएगा उसकी फ़ोटो लगवा के फिर वो लोग वहाँ बैठते थे कॉलेज में। और इस तरीके से इन्होंने सूचना मिली तो हम लोगों ने छः लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 जो साल्वर गैंग के लोग हैं, 6 लोग जो साल्व कर रहे थे। एक हिंदू कॉलेज है, दूसरा मेथोडिस्ट कॉलेज, तीसरा कॉलेज है RRK, चौथा है बेदराम कॉलेज पाकड़ा, और 5वां सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी कटघर। 6 कॉलेजेस से हम लोग इन लड़कों को गिरफ्तार किया है। सर, इनके पास से क्या क्या इनसे जो है 61,630 रुपये नकद मिले हैं, और 1 अदद स्विफ्ट डिजायर कार है, 1 अदद मोटरसाइकिल है पल्सर, 10 अदद मोबाइल मिले हैं, और 4 अदद आधार कार्ड, 6 अदद पैन कार्ड नहीं 6 अदद पैन कार्ड हैं, जो जिनमें फोटो चस्पा करके जो मेन जो परीक्षार्थी था उसका फ़ोटो चेंज करके, पता वही है लेकिन फ़ोटो चेंज किया है। तो ये हम लोगों ने 6 इनके पैन कार्ड बरामद किए हैं, 2 अदद इनके मतदाता पहचान पत्र में भी ये लोग फ़ोटो बनवाए हैं अपना, और 8 अदद ATM कार्ड इनके हैं, ये 2 चेकबुक हैं, 4 अदद स्कूल की ID हैं, और 2 अदद इनके DL हैं। ये चीज़ इनसे बरामद हुई है। तो ये एक अच्छा एक मतलब साल्वर गैंग का भला क्षेत्र का रहने वाला, ये पहले 18 में भी जेल जा चुका है इसी काम में। तो इसने एक नाजिम लड़का, एक दानिश और एक बिपिन, इन लोगों से एक गैंग बना के इन लोगों ने यहाँ लोकल लोगों से बात की लड़कों से कि हमें कुछ पैसा दीजिए, बदले में हम आपको आपकी जगह पर किसी और को बिठा के और फिर हम आपको मतलब पेपर आपका सॉल्व कराएंगे। ये भी तय हुआ कि भाई कुछ पैसे अभी दे दो, बाकी जब उसका साल पेपर आ जाएगा, जैसे अभी आज परीक्षा हुई 2-4 दिन में इसका साल पेपर आ जाएगा, तो मिलान करने के बाद बाकी पैसा इन लोगों को फिर दिया जाना था।